गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्टे होम स्टे से। आज हम लोग जो है मैथ्स में सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेंडर क्या है? वो एक 3D शेप्स है, पर ये देखेंगे कि ये 3D शेप्स कैसे 2D से बनता है, आखिर सिलेंडर बनकर आता है कैसे है? तो आपने ये रेक्टेंगल देखा होगा सभी ने, जिसको आयत बोलते हैं। ये रेक्टेंगल, ये 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन मीन्स जिसकी ओनली लेंथ है और क्या है, ब्रेथ है। यहाँ पे आपको हाइट नहीं दिख रही है, लंबाई और चौड़ाई दिख रही है। तो ये 2 डायमेंशन शेप्स है। अब इस 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन बनाएंगे, वो कैसे? अगर इस रेक्टेंगल को आप फोल्ड करते हो, इसको आपने फोल्ड किया, अभी आपको दिख रहा है ये सिलेंडर की तरह दिख रहा है, बेलन दिख रहा होगा। तो इस तरह आपने इस रेक्टेंगल से ये सिलेंडर बना दिया, और इसके जो साइड साइड में पोर्शन बन रहा है, ये सर्कल है, और इस साइड भी क्या बन रहा है, ये सर्कल है। तो इसका जो है, आप ये सर्कल जो मैंने कट किया हुआ, इसको आप टेस्ट भी कर सकते हो, और ये कम्प्लीटली आपका सिलेंडर बन जाएगा, जो कि ऐसा दिख रहा है। ये सिलेंडर रहा इसका, ये रेक्टेंगल को फोल्ड किया, यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर सर्कल, ये रहा 2D, और इसी 2D से ये कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 3D सिलेंडर। अब इस सिलेंडर जो 3 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन में से यही होता है, जिसकी लेंथ भी होती है 3 डायमेंशन, यानी लेंथ, और इसकी ब्रेथ भी होती है, और इसकी हाइट भी होती है। तो 3 डायमेंशन में ये होता है जिसकी 3 बीमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और 2 डायमेंशन में ये होता है जिसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। इसको आप घर पे भी बना सकते हो, वेस्ट मटेरियल से, कार्डबोर्ड से, पेपर से, किसी भी चीज़ से आप बना सकते हो, और फिर देख सकते हो कि आपका सिलेंडर कैसा बन रहा है। आप घर में भी देखते होगे, यूज करते होगे, जो बेलन है वो आपका वो सिलेंडर शेप्स में इसी तरह दिखता है, जो गैस सिलेंडर वो भी इस तरह दिखता है, और जो पाइप होती है पानी के लिए पाइप, वो भी सिलेंडर की तरह ही दिखती है। तो ये हमारी डेली लाइफ में भी इसका एग्जाम्पल है। तो अब सिलेंडर के बारे में आपने पढ़ लिया कि बेलन क्या होता है, अब आपको मैं ये बताऊंगी कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यानी CSA, कर्व सरफेस एरिया। तो ये जो सिलेंडर है, ये बना है रेक्टेंगल से, तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही सिलेंडर का होगा, जितना ये एरिया कवर करेगा। तो ये कितना एरिया कवर करता है, जब आप इसको फोल्ड करते हो तब ये सिलेंडर बनता है। अब ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है और ये ब्रेथ होता है, ये चीज़ होती है। इसको फोल्ड किया तो ये जो इसकी लेंथ थी, ये बन गया सर्कल, दिख रहा सब इसको, जब इसको फोल्ड कर रहे हो तो जो रेक्टेंगल की लंबाई थी वो बन गई सर्कल, और जो इसकी ब्रेथ थी वो इसकी ऊंचाई बन गई हाइट, ये इसकी चौड़ाई थी रेक्टेंगल की। तो जब इसको फोल्ड किया तो ये सिलेंडर की ऊंचाई बन गई, जिसको हाइट एच बोलते हैं। इसको एच ले लिया, जो इसकी ब्रेथ थी वो उसकी हाइट बन गई, और जो इसकी लंबाई थी, ये लंबाई वो सर्कल की परिधि बन गई, यानी सर्कमफेरेंस। तो जो सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है, परिधि होती है, वो होता है 2πr, जो आपने 8th क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो जो इसकी लंबाई हुई वो हो गई 2πr, क्योंकि फोल्ड होकर सर्कल बना, और जो इसकी चौड़ाई हुई, जो रेक्टेंगल की चौड़ाई हुई, वो सर्कल की हाइट हो गई, यानी उसकी ऊंचाई हो गई। तो ये दो चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर इसका एरिया निकालते हैं तो आप देखोगे क्या होता है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, आयत का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जो ये लेंथ है, वो लेंथ तो हमारी जो रेक्टेंगल की थी, वो सर्कल की सर्कमफेरेंस बन गई, परिधि, तो वो 2πr हो गई इसकी लंबाई। और जो इसकी ब्रेथ थी, जो इसकी चौड़ाई थी, वो उसकी ऊंचाई बन गई, तो वो h हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2πr h, ये हो गया आपका CSA ऑफ सिलेंडर, ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो ये रेक्टेंगल के फॉर्मूले से आता है, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो जो बेलन का, जो
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ वो हुआ 2πRH, जो कि आपने रेक्टेंगल से निकाला, क्योंकि जो इसका एरिया होगा वही सिलेंडर का एरिया हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल से ये सिलेंडर बना हुआ। तो इस तरह आपने इसका CSA फाइंड कर लिया सिलेंडर का। अब अगली वीडियो में आप ये पढ़ोगे कि इसका TSA कैसे फाइंड करते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया। अभी तो आपने बस इतना ही फाइंड किया इसका कर्व वाला CSA, टोटल में आपको ये भी लेना पड़ेगा और ये भी लेना पड़ेगा। तो इस तरह TSA फाइंड करेंगे। थैंक यू।